हमारे YouTube चैनल में आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस के जो लेवल वन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन जो कल से स्टार्ट होने वाले हैं उसी के कुछ विद्यार्थियों के जो सवाल हैं उनके उत्तर देकर के इस वीडियो में हम आपके सामने आ रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें अगर हमारे द्वारा दी गई सूचना आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है विद्यार्थियों, हम बात करने वाले हैं रीट लेवल वन के जो डीवी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन जो 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में कुछ विद्यार्थियों के सवाल जवाब है उनको लेकर के हम इस वीडियो में आ रहे हैं। विद्यार्थियों का सबसे पहले सवाल है कि सर कितने सेट बनाने, अभी तक शायद 1 महीना हो गया है उनको इसके ऊपर चर्चा करते हैं कितने सेट बनाने हैं कितने नहीं बनाने, कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने 2018 में मैंने खुद ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था रीट के अंदर जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई थी 2018 के अंदर, तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स के जो सेट की जरूरत पड़ी है तो विद्यार्थियों उस हिसाब से जैसा कि इस बार भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको कितने सेट बनाने हैं। जैसे कि उस टाइम पे मैंने 3 सेट बनाए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, उसमें से 2 सेट आप मेरे जमा कर लिए गए थे और 1 सेट आपके स्वयं के पास रहता है जो हमेशा आपको रखना है हमारे पास। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपको कितने सेट बनाने हैं तो इसके अंदर आपका एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि कितने सेट बनाने हैं तो आपको 3 सेट इसके अंदर बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियों के 3 सेट, जिसमें 2 सेट तो आपके क्या हो जाएंगे जमा हो जाएंगे, 2 सेट तो क्या हो जाएंगे जमा हो जाएंगे और 1 सेट आपके पास स्वयं के पास हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपके पहला था कि कितने सेट बनाने चाहिए, पहला क्वेश्चन था 3 सेट आपको बनाने हैं, 4-5 कुछ नहीं बनाने आपको, केवल कितने सेट बनाने हैं 3 सेट जिसमें 2 सेट आपके जमा हो जाएंगे 1 सेट आपके स्वयं के पास रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, एक दूसरा क्वेश्चन आपके विद्यार्थियों के पास था कि सर हमें जो एक फाइल आती है इसको डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए वो लेकर के जानी है क्या, तो इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है आपकी फाइल का, किसका क्वेश्चन है कि फाइल ले जानी है क्या नहीं, तो जैसा कि 2018 के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था उस टाइम पे मैंने कोई फाइल लेकर के नहीं गया था और इस बार भी आपको स्वयं को कोई फाइल लेकर के नहीं जानी है अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स को वो रखने के लिए, कि 2 सेट है तो आप 2 फाइल लेकर के जा रहे हो, जैसे 10-10 रुपए वाली आती है 20-20 रुपए वाली, तो ऐसी आपको कोई फाइल लेकर के नहीं जानी है। होता क्या है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपकी 2 ये सेट जो जमा होते हैं तो उनके पास आपके जो नंबर है, जैसे कि आपको बुलाया जाता है, जैसे आपका 35 नंबर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नंबर है तो उनके पास फाइल रहती है, उसके ऊपर आपके क्रमांक लिखे होते हैं 35 नंबर के। ठीक है विद्यार्थियों, तो उन्हीं के पास ये फाइल होती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो सेट लेंगे डॉक्यूमेंट्स का सेट लेंगे वो इस फाइल के अंदर आपके रख लेंगे, तो आपको कोई फाइल लेकर के नहीं जानी है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि सर इसके अंदर हमारा क्या होगा, कहीं किस विद्यार्थी करे कैसे होगा या फिर क्या होगा हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर क्या होगा, तो विद्यार्थियों कुछ नहीं होगा आपका, ओनली 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 क्या होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन। आप डर रहे हो, कोई को क्या टेंशन लग रही है, कोई को क्या टेंशन लग रही है कैसे होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा ओनली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आप बिंदास होकर के नो टेंशन होकर के जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को बड़ी सेफ्टी के साथ आपको लेकर के जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको बहुत अच्छी तरह से लेकर के जाना है, कि कहीं 1-2 डॉक्यूमेंट्स कोई प्रमाण पत्र घर पे छोड़ जाता है या फिर कहीं जैसे कि कहीं बैग में रखते हैं वहां निकालते टाइम कहीं गिर गया, ऐसी चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये तीसरा होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन का, इसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है विद्यार्थियों, तो कैसे होगा मैं आपको एक बार समझा देता हूं, जैसे कि आपका ये मान लो पूरे का पूरा रूम है, जैसा कि 2018 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे उस टाइम हमारे टाइम के समय, तो उस टाइम कुछ नहीं, जैसे कि रूम है, रूम का मान लो एंट्री गेट है, यहाँ पे आपके
बाहर जितने भी विद्यार्थी है वो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये विद्यार्थी है, जैसे कि 50 विद्यार्थियों का एक दिन, तो 50 विद्यार्थी है जिस नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट्स, एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, आपको यहाँ से गेट से बुलाया जाएगा, ठीक है। एक साथ 5 विद्यार्थी बुला सकते हैं, 10 विद्यार्थी भी एक साथ बुला सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। इसके अंदर यहाँ पे अंदर जैसे कि टेबल लगी होती है लंबी वाली, इसके ऊपर टीचर्स बैठे होते हैं, क्या बैठे रहते हो, टीचर्स बैठे रहते हैं। आपको जैसे कि एक नंबर इसके पास चला गया, दो नंबर यहाँ पे, तीन नंबर यहाँ पे, चार नंबर यहाँ पे, पांच, छह, ऐसे करके सभी इनके पास चले जाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। जो आपके द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो सेट है, उनको चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरी टेबल और लगी होती है, इसके ऊपर भी टीचर्स बैठे रहते हैं, वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करने के बाद एक तीसरा व्यक्ति और होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, फाइनल चेक करता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, फाइनल चेक करता है। जो आपकी चेक लिस्ट है वो यहीं पर भरी जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। जो चेक लिस्ट आपकी है, आय प्रमाण पत्र हुआ, 10वीं की मार्कशीट हुई, प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट हुई, ठीक है, बीएड की या बीएसटीसी की जो भी मार्कशीट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चरित्र प्रमाण पत्र हुए, स्वयं का घोषणा पत्र हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी चेकलिस्ट आपको यहाँ पर भरी जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। कई विद्यार्थी से गलती हो जाती है, सर मेरे तो चेकलिस्ट गलत भर गई है, उस टाइम पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों। वहां पे अगर आपकी चेकलिस्ट आपसे गलत भरी जाती है, तो वहां पे जो टीचर से चेक करने वाले, वो उसको काट करके दोबारा सही कर देंगे, या फिर उनके पास जो चेकलिस्ट का फॉर्म निकाल के रखते हैं, वो दोबारा उस चेकलिस्ट को भर देंगे। इसलिए आप नो टेंशन रहिए, बिल्कुल बिंदास होकर के, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, जो टेंशन लेनी थी आपको प्री में ले ली, मेंस में ले ली, दोगुना कट ऑफ में आने में ले ली। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, किसी भी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाला नहीं जाता है। अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए उसको कोई किसी व्यक्ति को निकाला नहीं जाता है। मैं आपको बताने वाला हूं उस कैसे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे चेक होगा, चेक होने के बाद में या फिर फाइनल चेक होगा, चेक होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को अगर पूरे कन्फर्म हो जाते हैं कि बिल्कुल आपके सही है, तो आपके दो सेट जमा कर दिए जाएंगे और आपको भेज दिया जाएगा। अगर बाय मिस्टेक कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गई है, क्या हो गई है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गई है, तो विद्यार्थियों अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है या फॉर्म भरते टाइम गलती हो गई, जो फॉर्म भरा आपने स्क्रूटिनी फॉर्म भरा है या फिर शाला दर्पण पे जो भी फॉर्म भरा है, फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, अगर आपके गलती हो गई है, किसी के पिता का नाम कुछ और था, कुछ और भर दिया हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ और भर दी हो, तो विद्यार्थियों नो टेंशन रहिए, बिल्कुल निष्क्रिय रहिए, मतलब कि बिल्कुल निसंकोच बिंदास होकर के जाइए, कुछ नहीं होता है। अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वहां भी टीचर्स अपने जैसे ही बैठे हैं, एक इंसानियत के नाते वो भी सोचते हैं कि फॉर्म भरते टाइम पे आवेदन क्रमांक गलत लिख दिया होगा, डीओबी में गलत हो गई होगी, किसी के नाम में स्पेस था, स्पेस नहीं है, तो ये छोटी मोटी जो भी गलती है, उन गलतियों के लिए या तो आपसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा या फिर उनके ऊपर आपसे स्वयं से लिखवा लिया जाएगा, नॉर्मल कागज के ऊपर वे, या फिर जो घोषणा पत्र है या शपथ पत्र है, जो भी आपको उनके द्वारा बताया जाएगा, वो उनके द्वारा सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। इसलिए आप नो टेंशन रहिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी कि सर मेरे तो डीओबी गलत हो गई, मेरे ये हो गए। हाँ, आपका जो डीओ मतलब कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, मतलब सब जगह मैच करनी चाहिए। अगर फॉर्म भरते टाइम पे, आवेदन करते टाइम ऑनलाइन, जैसे कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है डीवी के लिए ऑनलाइन, तो उसमें मिस्टेक हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको निकालेगा नहीं। अगर आपके ज्यादा मिस्टेक है तो विद्यार्थियों, जैसे कि आपको 5 जुलाई को आपका डीवी है, 5 जुलाई को क्या है आपका डीवी है, तो वह आपको 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं। कितना, 2 से, मेरे साथ भी जैसे 2018 में कई विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी को 2 से 3 दिन का टाइम दे करके उसके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक थी, तो 2 से 3 दिन का टाइम दे करके उसको बाद में बुलाया जाता है। और जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि मेरा भी 10th का जो प्रमाण पत्र होता है वो मेरे पास नहीं था, ओनली उसकी क्या थी, जो फोटोकॉपी होती है, उसकी जो फोटोकॉपी होती है वो मेरे पास थी, ओरिजिनल फोटो मतलब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उस टाइम पे गलती से कहीं गिर गया था या फिर घर पे रह गया था उस टाइम पे, तो उसके अंदर मैंने बोल दिया कि सर मेरे पास ओरिजिनल 10वीं का प्रमाण पत्र नहीं है, मेरे पास फोटोकॉपी है। तो बेचीजक वो ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, फिर कुछ कागज रह जाता है,
था उसको तो वो भी समझते हैं, वो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालेंगे, आप बिल्कुल निसंकोच रहिए इसके अंदर, ठीक है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी ज्यादा मिस्टेक है तो वो आपको 2 से 3 दिन का टाइम देंगे, और उस 2 से 3 दिन के टाइम में आपको दोबारा बुलाया जाएगा, तो उसके अंदर आपकी जो कमी रह गई है उसको आप पूरी करके ले जा सकते हैं। आपको विदा वो बाकायदा आपको सॉल्यूशन बताएगी, बेटा आपको या घोषणा पत्र बना के लाना है, या आई प्रमाण पत्र दूसरा बनवा के लाना है, मूल निवास में कुछ चेंज करवाना है, या आपकी डीओबी सही नहीं आ रही है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रह जाती है वो आपको क्या करेंगे दोबारा 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन बाद में या 4 दिन बाद में जब भी बुलाते हैं आपको उस दिन जाना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये मैंने आपको बताया कि फोरम में गलती हो गई तो आप बिंदास रहिए, नो टेंशन रहिए, कहीं कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरे को निकाल तो नहीं देंगे, ठीक है, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरी मिस्टेक है तो निकाल तो नहीं देंगे, नो टेंशन रहिए विद्यार्थियों, किसी को भी ऐसी छोटी मोटी गलती के लिए नहीं निकाला जाएगा। जैसे कि कब निकाल लेंगे, कब निकाल सकते हैं आपको, ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको कोई निकालने की कब निकाल सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कब निकाल सकते हैं, जैसे कि आप कोई फर्जी विद्यार्थी है, या फिर आप कोई फर्जी विद्यार्थी है, आपने कोई बीएड की बीएसटीसी की कहीं से फर्जी मार्कशीट ले आए हो, मान लो ऐसी संस्था से आपने बीएड बीएसटीसी या कुछ भी कर रखा है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, आपने वहां से कर लिया है, तो उस कंडीशन में आपको जरूर निकाल सकते हैं। अगर आप जैसे बाय मिस्टेक आपके ऊपर डाउट हो जाता है तो आप वहां से उनके द्वारा ऑनलाइन चेक कर लिया जाएगा, अगर आप सही हो उनको डाउट भी हो जाता है तो उनके द्वारा चेक कर लिया जाएगा, बाकी किसी भी व्यक्ति को छोटी मोटी गलती के लिए किसी को भी नहीं निकाला जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विद्यार्थी सही है और उसको जॉब के बिना रख दिया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अगर आप फर्जी है, आपके पास कोई मार्कशीट फर्जी है, आपने कहीं से डुप्लीकेट बना रखी है, या कहीं ऐसी संस्था से आपने बीएड बीएसटीसी या कुछ भी डिग्री ले रखी है जो मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको निकाल सकते हैं। बाकी आप नो टेंशन रहिए, आप बिंदास होकर के ऑफलाइन बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप उस कक्ष में प्रवेश कीजिए, ऐसा लगना चाहिए। अगर कहीं फोरम में आपके मिस्टेक भी है तो आप बिंदास होकर के जाइए ना, फोरम में मिस्टेक तो है, टेंशन लेने से क्या होगा। हाँ, आप उनको क्लियर बता दीजिए कि सर इसमें ये मिस्टेक है, आप उनको जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको जरूर बताएंगे 2 से 3 दिन का, या उसी टाइम जो भी आपको शपथ पत्र लेना है उनके द्वारा या कुछ भी लेना है तो आप उनको दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कुछ विद्यार्थियों के डाउट्स थे, उन डाउट्स को लेकर के मैं आपके सामने जो मेरा एक्सपीरियंस था 2018 में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए थे उस टाइम पे, जो हमारे साथ कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे वो मैंने बताया आपको, ठीक है विद्यार्थियों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ओके, धन्यवाद।